भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि में किसानों को अपात्र बताकर केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि का पैसा वापस करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसे तत्काल बंद किया जाए। केंद्र सरकार का यह कदम किसान सम्मान निधि के बजाय किसान अपमान निधि बन गया है। 2019 चुनाव लोकसभा वर्तमान सरकार ने किसानों को कुछ राहत देने के लिए ये किसान सम्मान निधि की योजना शुरू की थी और उस योजना के तहत 500 रुपए महीना किसानों के खातों में भेजे गए थे। 4 महीने का पैसा एक साथ 2 रुपए प्रति किसान के खाते में जा रहा है और इस योजना का भरपूर लाभ चुनाव में कैसे उठाया जा सकता है, केंद्र की सरकार ने इसका लाभ उठाया और प्रचार किया। किसानों की अपने आप को काफी बड़ी हितैषी बताने का भी श्रेय लेने का भी कार्य उस समय जितना हो सकता था केंद्र की सरकार ने, लेकिन आज वही केंद्र की सरकार इन किसानों से किसान सम्मान निधि का पैसा है उनने क्राइटेरिया बनाकर वापस ले लिया। जो किसान सम्मान निधि योजना है आज ये केंद्र सरकार उसका किसान अपमान निधि के रूप में उपयोग कर रही है। किसानों से पैसे देने की बात थी तब तो सरकार का यह प्रयास था कि समस्त किसानों को जल्द से जल्द ये पैसे पहुंचा दिए जाए और जिस कारण से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जितने किसान थे देश में उनका पासबुक नंबर बैंक अकाउंट खाता नंबर लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने अपलोड कर दिया और उनको किस चली गई। लेकिन उसके बाद सरकार ने क्राइटेरिया जो बनाया उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब उन लोगों को नोटिसें जा रही है पूरे देश के किसानों को। जो मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से करीब 2 करोड़ लोगों को इस तरह से चिन्हित किया गया है और हमारे यूपी में भी मैं बहुत वोटिंग भी हो रही है, हमने खुद देखा है एक दिन में 25-30-40 हजार लोगों को अभी तक नोटिस जा चुकी है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि किसान सम्मान निधि आज किसान अपमान निधि बन गई है, क्योंकि उस नोटिस में जो शब्दावली लिखी है कि आपने गलत तरीके से ये लाभ लिया, ये दंडनीय अपराध है, आप पैसा वापस करें।